Hello students, how are you? I hope आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम एक्सरसाइज 8.3 में जो भी हमारे फॉर्मूले यूज होंगे, प्रयोग किए जाएंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, एक्सरसाइज 8.3 में हमसे दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो क्वेश्चन है वो हमारा ब्याज के ऊपर होगा। ब्याज हमारा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, आपने सुना होगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज होता है सिंपल ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, और चक्रवृद्धि ब्याज होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। साधारण ब्याज होता है कि जो राशि आप उधार लेते हो तो आपका ब्याज उसी राशि के ऊपर लगेगा, भले ही आप उस राशि को कितने भी वर्ष उधार के लिए रखो। बट इन सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी, इन कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, आप जो पैसे उधार लेते हो उसके ऊपर जो टाइम होता है, मान लीजिए एक साल के लिए उसके ऊपर ब्याज लगता है, ठीक है। तो जब आप दूसरे साल में जो ब्याज दोगे तो उसमें वो पैसे प्लस ब्याज दोनों को मिलाकर जो अमाउंट होगी उसके ऊपर ब्याज लगेगा। फिर जो उसका ब्याज आएगा नेक्स्ट ईयर वो प्लस हो जाएगा, फिर उस सबको मिलाकर जो ब्याज लगेगा आपको वो ब्याज देना। तो ब्याज आपका हर साल या छमाही जितने जिस हिसाब से आपको ब्याज दिया जाएगा उस हिसाब से ही आपसे ब्याज पैसे दिए जाएंगे, उस हिसाब से आपसे उनके ऊपर ब्याज लिया जाएगा। तो आपका ब्याज टाइम के साथ साथ बढ़ता रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज में। और सिंपल ब्याज जो साधारण ब्याज है उसमें जितने पैसे आप उधार लेते हो तो आप कितने भी टाइम के लिए उन पैसों को रखो आपको ब्याज वही एक ही बराबर देना होगा। तो ये ब्याज जो हम साधारण ब्याज निकालते हैं तो उसमें हमें तीन चीज दी होती है, मूलधन, दर और समय। अब सबसे पहली बात है मूलधन, कि मूलधन क्या होता है। तो मूलधन होता है जो पैसे हम किसी से उधार लेते हैं। मान लो आपको किसी काम के लिए कुछ जरूरत पड़ी, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप अपने पड़ोसी से कहते हो कि मुझे 10,000 रुपए उधार दे दीजिए। अब पड़ोसी आपको पैसे उधार दे देगा, बट वो कहेगा कि मुझे इस पैसे का ब्याज चाहिए। और ब्याज क्या होता है कि जो पैसे आपको दिए हैं 10,000, वो प्लस उससे के अलावा वो आपसे कुछ पैसे और लेगा। वो किस हिसाब से लेता है, उसे दर कहेंगे, कि मुझे 2% की दर से ब्याज चाहिए, 5% की दर से। 2% मतलब 100 रुपए पर 2 रुपए मुझे हर मंथ ब्याज चाहिए। तो जितने भी पैसे होंगे उसके ऊपर 2 रुपए के 2% के हिसाब से वो ब्याज आपसे लेगा। समय, फिर वो आपको समय देगा कि मुझे पैसे एक साल के अंदर चाहिए, 6 महीने के अंदर चाहिए, तो वो उसका टाइम पीरियड हो गया। तो देखिए, मूलधन क्या होता है, उधार लिया गया धन मूलधन कहलाता है। फिर होते दर, जो हम उधार पैसे लेते हैं उस पर जिस प्रतिशत की दर से हमसे ब्याज लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, दर। जैसे 5% की दर से, 2% की दर से, अर्थात हर 100 रुपए पर आपको कितने रुपए उसको एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे। समय, आप सभी को बताया उसमें एक समय दिया जाता है कि 2 साल के लिए है, 1 साल के लिए है, या 6 महीने के लिए है। अब आते हैं साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज हम निकालेंगे कैसे, तो साधारण ब्याज निकालने का जो फॉर्मूला है वो देखिए। साधारण ब्याज के लिए हम लिखेंगे मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये हमारा साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। इसे आप शॉर्ट में पी आर टी बाय 100 भी लिख सकते हो। ये क्या है, पी से प्रिंसिपल होता है और आर से रेट होता है और टी से टाइम। तो प्रिंसिपल मूलधन होता है, रेट आपका दर होता है, और टाइम आपका समय होता है। अब आप लिखोगे कि ये 100 कहां से आ गया, आप सोचोगे कि मैंने ये 100 यहाँ पर क्यों लिखा है। तो देखिए, जो आपको दर दी होती है वो हमेशा प्रतिशत में होती है, जैसे 2%, ठीक है। तो जब आप प्रतिशत को हटाते हो तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, अपॉन 100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100, और जो नंबर होता है उसके अपॉन में 100। तो दर को हमने जब प्रतिशत हटाया तो वो कहां बदल, किसमें बदल गया, 100 में। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, 100। तो कंफ्यूज मत होना, ये 100 होता है प्रतिशत का। अब देखिए,
अगर आपको साधारण ब्याज दिया हुआ है, सॉरी निकालना है, और आपको मूलधन दर और समय तीनों चीज दी हुई है, तो आप इजीली साधारण ब्याज निकाल सकते हो। उन तीनों की मल्टीप्लाई कीजिए और 100 से भाग कर दीजिए। लेकिन अगर आपको मूलधन या ब्याज या दर निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला आपका सेम यही रहेगा, इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट करना है। अगर आपको साधारण ब्याज दिया हुआ है, ठीक है, और दर समय दिया हुआ है, आपसे पूछा है मूलधन ज्ञात कीजिए, तो मूलधन हम देखो कैसे निकालेंगे। मूलधन के लिए हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज आपका इधर है, ठीक है, हमें मूलधन यहाँ रखना है, बाकी सबको उठा के इधर ले आओ। और जब भी कोई नंबर दूसरी साइड में जाता है, आरएचएस से एलएचएस या एलएचएस से आरएचएस में जाएगा, तो उसको साइन चेंज हो जाएंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड में आएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई में आएगा, प्लस माइनस में जाता है और माइनस प्लस में आता है। तो मूलधन ब्याज तो आपके पास पहले से ही है, ठीक है, अब जो नीचे है डिवाइड में है, ये कहां चला जाएगा, उधर जाके ऊपर चला जाएगा गुणा में, अपॉन मूलधन निकालना है तो क्या बच गया, दर और समय, ठीक है। तो ये तो हो गया मूलधन निकालने का फॉर्मूला, ब्याज गुना 100 बटे दर गुना समय। इसमें हमें मूलधन निकालना है, ब्याज हमें दिया होगा, दर दी होगी और समय दिया होगा। ऐसे ही अगर आपको दर निकालनी है तो सेम यही, केवल दर को इधर ले आएंगे और मूलधन को इधर ले जाएंगे। ब्याज यहाँ पे साधारण ब्याज है गुना 100 बटे मूलधन गुना समय, ठीक है, इससे हमारी दर निकल जाएगी। और अगर हमें ब्याज सॉरी समय निकालना है तो भी आपका यही रहेगा, समय निकालेंगे तो ब्याज मल्टीप्लाई 100 अपॉन समय निकालना है तो क्या बच गया, जो बच गया उसको यहां लिख दो, मूलधन गुना दर, ये हमारा समय निकल जाएगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला है मूलधन दर समय निकालने का, क्या करोगे, ब्याज गुना 100, ठीक है, सब में सेम रहेगा, ब्याज गुना 100 बटे, बटे में क्या लिखोगे, जो आपको निकालना है, जिसके आपको वैल्यू निकालनी है उसे छोड़ दो और जो बाकी बच गए तो उनको डिवाइड में लिख दीजिए मल्टीप्लाई का साइन लगा के, ठीक है। अब देखो अगर आपको दिन दिए हुए हैं, अगर आपको दिन दिए हुए हैं और उन्हें साल बनानी है, दिन से साल बनाओगे, सॉरी साल से दिन बनाने हैं तो हम 365 से डिवाइड कर देंगे। अगर आपको मंथ दिए हुए हैं और ईयर बनाने हैं तो 12 से डिवाइड कर देंगे। अब बात करते हैं एक क्वेश्चन में, आपको एक एग्जांपल करके दिखाते हूँ, देखिए आपको दिया गया है कि राम ने किसी से 10,500 रुपए उधार लिए, ठीक है, 2% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए, समय कितना है 2 वर्ष के लिए, तो उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। राम ने 10,500 रुपए 2 वर्ष के लिए 2% वार्षिक दर से उधार लिए, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज हम कैसे निकालेंगे, हमें हमारे पास है मूलधन दर और समय, हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। इस फॉर्मूला को लगाने के बाद हम इसमें वैल्यू रखेंगे, मूलधन क्या है आपके पास 10,500 गुणा दर कितनी है 2 और ये बटे में इसका 100 आ गया 2 का, मल्टीप्लाई समय कितना है आपका फिर 2 है। अब इसकी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 2 जा 4, 4 को इससे मल्टीप्लाई करो, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, तो आपके पास ये क्या आ गया ब्याज, साधारण ब्याज कि आपको इतने रुपए पर 10,500 रुपए पर 2 साल के बाद उसको 500 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे, आपको उसे 500 के लगभग है ये 420, तो आपको टोटल उसे कितने पैसे देने होंगे, 10,500 प्लस 420, तो कितना हो गया आपके पास 920, 10,920। तो ये तो था साधारण ब्याज। अब आपसे पूछी जाती है मानो कि 2 वर्ष के बाद वो कितने रुपए वापस लौट आएगा, 2 वर्ष के बाद कितने जो राशि है वो वापिस करेगा, तो 2 वर्ष के बाद जब हम उसको पैसे देंगे तो उसमें हमारे पास जो आपका मिश्रधन निकलेगा मिश्रधन क्या होता है आपका मूलधन
प्लस साधारण ब्याज, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारी टोटल अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, मूलधन क्या है 10,500 प्लस साधारण ब्याज कितना है 420 रुपए। तो 10,920 रुपए उसको वापस लौटाने होंगे। लिए उसने 10,500 थे लेकिन देने कितने होंगे 10,920 दो साल के बाद। अब बात करते हैं हम चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज हमारा डायरेक्ट नहीं निकलेगा, जैसे हमने इसमें मिश्रधन निकाला था चक्रवर्ती ब्याज में हमारा मिश्रधन पहले निकलेगा। चक्रवर्ती ब्याज निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले मिश्रधन निकालना पड़ेगा। और मिश्रधन हमारा कैसे निकलेगा, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 यहां पर समय, इसे आप शॉर्ट में कैसे लिख सकते हो, ए इंटू ए बराबर है पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 पावर एन। यहाँ पर पी प्रिंसिपल आपका मूलधन हो गया, जो मूलधन होता है ना इसको प्रिंसिपल कहते हैं, इसको शॉर्ट में रेट कहते हैं, आर लिख दीजिए इसको टाइम या एन लिखा जाता है यहाँ पर कि कितना समय आपका वो पावर में चला जाएगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन को अगर हम इस तरीके से निकालेंगे तो सेम क्या करोगे, सबसे पहले हमारा मिश्रधन निकलेगा। ठीक है, हमसे पूछा गया है अगर चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज तो पहले हमें मिश्रधन निकालना है। ठीक है, मिश्रधन में से आपने देखा था मिश्रधन में क्या किया था, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, अगर ब्याज को हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास, सॉरी मूलधन को माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, ब्याज बच जाएगा। तो मिश्रधन माइनस मूलधन तो हमारे पास क्या बच गया, इधर ब्याज बच गया। तो इसके लिए हमें सिंपल मिश्रधन नहीं निकालना कि मूलधन प्लस ब्याज करते हैं, हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब आप ये निकालेंगे कैसे हमें वो देखिए, पहले इसको फॉर्मूले को यूज करते हैं। मूलधन क्या है आपके पास 10,500 रुपए। ठीक है, 1 प्लस दर क्या है आपके पास 2/2 और समय भी कितना है 2। अब ये जितनी पावर होती है इस नंबर को हम उतनी बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे, वो देखिए कैसे आगे का नंबर है जी 23 लिखना है आपको इंटू, पहले हम इसको हल करते हैं। अब आपको ये पता है कि ये आपका अकेला नंबर है और ये आपका नंबर बटे में दिया हुआ है, तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। पहले 100 बन जा 100 प्लस 2 बाय 100, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 1 की जगह भी क्या हो जाएगा आपका 100। अब 10,500 गुना ये आपके पास क्या आ गया 102/100। अब देखो 102/100 कितनी बार है, 2 बार, तो आपको यहाँ पर जितनी भी पावर होगी जितना भी आपका टाइम होगा उतनी ही बार इस नंबर को गुणा में लिखना है। 2 बार था, हमने इसको 2 बार लिख लिया। अब इसको काट लिए, 2 जीरो कट गए, 5 से काट दीजिए इसको, 5 2 जा 10 50 5 2 जा 10 5 1 जा 5। अभी 20 आ गया आपका, 10 2 से काट दीजिए इसको, 2 5 जा 2 1 जा फिर से 51 आ गया। अब ये आप इसको इतना ही रहने दीजिए क्योंकि एक जीरो है हमारा पॉइंट लग जाए, हम ऐसे कैसे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 21 और 51 की मल्टीप्लाई कीजिए, 21 बन जा 21 2 बच गए, 21 5 से कितने होते हैं 5 और 10 105 और 2 आप प्लस करोगे तो 107। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 102 से, 102 से गुणा करिए, 2 एक 2 2 सात 14 2 एक 2 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो सारे नंबर 0। ठीक है, अब 1 से करेंगे तो आपके नंबर एज इट इज, 2,4,2,9,0,1 10,000 sorry 1,09,242 आपका ये आ गया ऊपर की मल्टीप्लाई, बटे में क्या है 100। अब हमारा 10 का मतलब है एक नंबर से पहले पॉइंट लगेगा, तो 10,924.2 हम इसमें एक जीरो ऐड करेंगे, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, आप ऐड कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा 10,924.20। तो ये आपका आया है मिश्रधन। ठीक है, अब अगर हम
हमें निकालना है इसमें से ब्याज कि हमारा ब्याज कितना है, चक्रवर्ती ब्याज कितना है। तो चक्रवर्ती ब्याज के लिए देखिए क्या करोगे, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर है, क्या बताया था मैंने आपको, मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन क्या है आपके पास, ये आंसर आया हमारा 10,924.20। माइनस क्या करेंगे इसमें से, 10,500 रुपए। अब माइनस करोगे तो ये तो एजिट ही जाएगा आपका पॉइंट के बाद का नंबर। अब इसमें से माइनस करेंगे 4, 2, इसमें से क्या आ गया आपके पास 9 में से 5, 4 और ये 0, तो 424 रुपए 20 पैसे ये आपके पास आया है चक्रवर्ती ब्याज। तो ये था साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज निकालने के फॉर्मूले, ठीक है। अब अगर आपको ब्याज यहाँ पर वार्षिक ना देकर आपको दिया जाए सालाना, सॉरी 6 महीने का अर्धवार्षिक अगर आपको ब्याज दिया जाता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो दर होती है दर का हम कर देंगे आधा और समय का हम करेंगे दुगना, क्योंकि अर्धवार्षिक का मतलब है हर 6 महीने के बाद जो दर होगी उसका आधा हो जाएगा और जो समय होगा उसका दुगना हो जाएगा, क्योंकि एक साल में 2 छमाही होते हैं तो 2 साल में कितने हो गए, 4। तो अगर हम वहां पे करेंगे तो समय हमारा 2 है तो मान लो कितना हो जाएगा, 4 अर्धवार्षिक हो जाएगा इसका दुगना, और अगर इसका होता है तो इसका हमारा आधा हो जाएगा, तो 2/2=1%। तो ये हमारा अर्धवार्षिक में होगा, फिर हम सेम इसी प्रोसेस से जैसे हमने किया है ऐसे ही इन टाइम और समय इससे दर से हम क्वेश्चन को आगे निकालेंगे। तो इन फॉर्मूलोज को लर्न कीजिए और अपने एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस की आप रफ नोटबुक में प्रैक्टिस कीजिए। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।